जब हम एक वीडियो में इसराइल का गुणगान कर रहे थे तो कुछ दुर्बुद्धि जीव आकर भारत के इतिहास के बारे में गरियाने लगे कि हमने दुनिया को दिया ही क्या है, हमें तो अंग्रेजों ने चलना सिखाया, वरना हम तो जमीन में रेंगने वाले कीड़े मात्र थे। हमारे देश के लोगों के अंदर हीन भावना जगाने की उनकी मंशा साफ साफ नजर आ गई, इसीलिए उन लोगों को जवाब देना हमारा फर्ज भी बनता है। हमने इसराइल का महिमा मंडन किया, इसका मतलब ये तो कतई नहीं कि भारत सबसे पिछड़े देशों के अंदर आता है। किसी की प्रशंसा करने का मतलब है कि हमें उनसे वो चीज सीखने की जरूरत है जो उस देश की तरक्की में सहायक रही है, चाहे वो इसराइल जैसा मित्र देश हो या फिर पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश। आज मैं आपको भारत के वो ऐतिहासिक इतिहास बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है, ताकि आगे से कोई भी ऐसा दुर्बुद्धि आपसे इस तरह का आर्ग्यूमेंट करे तो आप ये बातें उसके मुंह पर फेंक के मार सको। सबसे पहले हम बात करते हैं आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं पर। जब पूरी दुनिया शरीर पर जानवरों की खाल बांधकर घूम रही थी, उस समय भारत कपास की खेती कर रहा था। दुनिया में सबसे पहला बटन भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। आज टॉयलेट में जो एक बटन पर मैला साफ हो जाता है, वो फ्लश सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 5000 साल पहले से मौजूद था। पूरी दुनिया नहाते हुए जिस शैम्पू का यूज करती है, वो भी भारत की ही देन है। वो कलम जिससे इंसान ने तख्तो ताज पलटकर अपना इतिहास लिखा, उस इंक की खोज भारत में हुई। वो भारत ही था जिसने दुनिया को गिनती के साथ साथ जीरो को कहां और कैसे यूज करना है ये सिखाया। वो भारत ही था जहां इंसान ने इतिहास की सबसे पहली सर्जरी कंप्लीट की। जब लोगों को धातुओं का ज्ञान नहीं था, उस वक्त भारत स्टील का यूज कर रहा था। रेडियो वेव्स जिसके दम पर संचार युग आया, जिसके सहारे हमारा मोबाइल कम्युनिकेट करता है, जिस वजह से हजारों किलोमीटर दूर बैठे आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। यहां तक कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रह सितारों और ब्लैक होल्स के बारे में सटीक जानकारी हमें मिल पाती है, वो सब जिस रेडियो वेव्स की वजह से संभव हो पाया। उसकी खोज एक भारतीय जगदीश चंद्र बसु ने किया था। दुनिया में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ईमेल सर्विस हॉटमेल का आविष्कार करने वाला एक भारतीय सबीर भाटिया था। संचार क्षेत्र में क्रांति लाने वाली फाइबर ऑप्टिकल्स केबल का आविष्कार करने वाला एक भारतीय नरेंद्र सिंह कपानी था। इस ब्रह्मांड के सभी कणों को बांध कर रखने और उन कणों के बीच में सूचना ट्रांसफर करने वाले कणों को बोसान कहते हैं, जिसकी खोज का श्रेय एक भारतीय सत्येंद्र बोस को जाता है। जब पूरी दुनिया में ब्रह्मांड को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मान रही थी, तो इस बात को गलत ठहराने वाले ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उनके अनुसार वो उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए खतरा था। तब तक भारत ब्रह्मांड को परिवर्तनशील और जन्म मृत्यु जैसे चक्रों में फंसा हुआ साबित कर चुका था। भारत ने ही दुनिया को सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रहों की स्पीड को भी एक्सप्लेन किया था। जब पश्चिम ब्रह्मांड में पृथ्वी की विशेष स्थिति पर संदेह करने वाले गैलीलियो को जेल में डाल रहा था, तब भारत संदेहवाद फैलाकर धार्मिक मान्यताओं को चोट करने वाले चावार्क को महर्षि की उपाधि से नवाज रहा था। जब धन और ऐश्वर्य के लालच में पूरी दुनिया में भाई भाई का खून पी रहा था, तब ये सोने की चिड़िया वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगा रही थी। पर तभी ये आवाज उन आक्रांताओं तक पहुंचती है जो यहाँ आकर तलवार के दम पर जमकर रक्तपात करते हैं। हजारों साल चले उस रक्तपात में भारत को सिर्फ धन और धर्म की हानि नहीं हुई, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगाई गई आग में जो पांडुलिपि जलाई गई, उनकी क्षतिपूर्ति भारत कभी नहीं कर पाया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब पाकिस्तान का अलग होना भी कोड में खास था। तब भारत एक भूखा नंगा राष्ट्र था जो अपनी मर्जी से एक सुई तक का उत्पादन नहीं कर सकता था। इन 1000 सालों में भारत बहुत पीछे रह चुका था। भारत को पता था कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता होने के नाते हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, पर यह भी पता था कि इतिहास के सहारे फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए भारत एक बार फिर से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ पड़ा, और सिर्फ 3 ही दशक में भारत परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में आ चुका था। इसके साथ ही सुपर कंप्यूटर बनाने वाला भारत 3रा देश बना। इसके बाद आगे निकलने की होड़ में भारत मात्र 450 करोड़ रुपए में मंगल ग्रह तक पहुंचा। आज भारत डॉक्टर इंजीनियर और साइंटिस्ट पैदा करने में दूसरे नंबर पर होने के साथ साथ हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। ये वही भूखा नंगा देश है जो आजादी के मात्र 77 साल बाद ही दुनिया को लीड कर रहा है, और आने वाले 10 सालों में दुनिया में सबसे टॉप पर अपने आप को देखने का सपना देख रहा है, और अपने उसी पुराने नारे के साथ वसुधैव कुटुंबकम।